ओम शांति। 16 मई, साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ न जाए, यह ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्मा अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्मा अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, देह के तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए, यह मंजिल है। इसके लिए आत्मा अभिमानी भव। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं इनको। ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। आज के दिन को सतगुरुवार कहते हैं। गुरुवार कहना भूल है, सतगुरुवार। गुरु लोग तो बहुत ढेर है, सतगुरु एक ही है। बहुत है जो अपने को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो गुरु और सतगुरु में तो फर्क है। सत अर्थात ट्रुथ, सत्य एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, न कि मनुष्य को। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर देते हैं। मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान दे नहीं सकते। सच्चा है ही एक निराकार बाप, इनका नाम तो ब्रह्मा है। यह किसी को ज्ञान दे न सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं। अभी भी कहेंगे इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं, संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा में ही है। अभी ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो अपने को सतगुरु कहला सके। सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। तुम जब सत बन जाएंगे तो फिर यह शरीर नहीं रहेगा। मनुष्य को कभी सतगुरु कह नहीं सकते। मनुष्यों में तो पाई की भी ताकत नहीं है। यह खुद कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ, इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती। यह तो बाप पढ़ाते हैं न कि ब्रह्मा। यह ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी परम पिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ते हो। तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब यह नहीं कि कोई को घूसा मारो जो गिर पड़े, नहीं, यह है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। याद के बल से तुम शांति को पाते हो और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं वैसे बाप भी पढ़ाते हैं। यह भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, देहधारी जो भी है वे सभी स्टूडेंट हैं। बाप को तो देह है नहीं, वह निराकार है, वही आकर पढ़ाते हैं। जैसे और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो, इसमें मेहनत की बात नहीं। पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करते हैं तब बाद में विकार में गिरते हैं। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते हैं, कहेंगे यह फलाना आदमी है, यह LLB है, यह फलाना ऑफिसर है। पढ़ाई पर टाइटल मिल जाता है, शक्ल तो वही है। उस जिस्मानी पढ़ाई को तो तुम जानते हो, साधु संत आदि जो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं उनमें कोई बड़ाई नहीं। उससे कोई को शांति तो मिल नहीं सकती। खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं। जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते? मुक्ति का तो कोई को पता नहीं। जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी रामकृष्ण परमहंस आदि होकर गए हैं, वह भी सब पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही आए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति को कोई भी पाते नहीं। तमो प्रधान बनना ही है। देखने में तो कुछ नहीं आता। कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है तो कहेंगे शांति मिलती है।
परंतु मिलता कुछ भी नहीं, शांति का अर्थ ही नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा ज्ञान का सागर है और कोई साधु संत गुरु आदि शांति का सागर हो न सके। मनुष्य किसको सच्ची शांति दे नहीं सकते। तुम बच्चों को पहले पहले तो निश्चय करना है, शांति का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ाते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी बाप ने समझाया है। मनुष्य मनुष्य को कभी सुख शांति दे नहीं सकते, यह ब्रह्मा उनका रथ है, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है। यह भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था, सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया है। सो भी वानप्रस्थ अवस्था में तुमको समझाने वाला एक बाप है। वह बाप कहते हैं सबको निर्विकारी बनना है, जो खुद नहीं बन सकते तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गालियां भी देंगे। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ है वह छुड़ाते हैं। अब छुड़ाते तो वह बेहद का बाप है ना, इनको भी उसने छुड़ाया, बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, जो निकल सके उनको निकाला। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, सर्वशक्तिवान एक ही निराकार बाप को कहा जाता है और किसको कहा नहीं जाता। वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं, बाप ही तुमको समझाते हैं। यह विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इनको छोड़ो। फिर जो नहीं छोड़ सकते हैं वे कितना झगड़ा करते हैं। माताएं भी कोई कोई ऐसी निकल पड़ती है जो विकार के लिए बड़ा हंगामा करती है। अभी तुम हो संगम युग पर, यह भी कोई नहीं जानते कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत हैं जिनको पूरा निश्चय है, कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100%, कोई को 10% भी है। अब भगवान श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। यह है बाप का बड़ा फरमान, निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चले ना। बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इनको याद नहीं करना है, मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो तो यह भी पढ़ता है, सब स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाला एक टीचर है, वह सब मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। तुम आत्माएं पढ़ती हो, तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है, इसमें बहुत आत्माभिमानी बनना है। बैरिस्टर इंजीनियर आत्मा ही बनती है, आत्मा को अब दे अभिमान आ गया है, आत्माभिमानी के बदले दे अभिमानी बन पड़े हैं। जब आत्माभिमानी हो तब विकारी नहीं कहला सकते, उनको कभी विकारी ख्यालात भी नहीं आ सकता। दे अभिमान से ही विकारी ख्याल आते हैं, फिर विकार की ही दृष्टि से देखते हैं। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी हो नहीं सकती, ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है। सत्युग में ऐसे थोड़े प्यार करेंगे, डांस करेंगे, वहां प्यार करेंगे, परंतु विकार के बांस नहीं होगी। जन्म जन्मांतर विकार में गए हैं तो वह नशा बहुत मुश्किल उतारता है। बाप निर्विकारी बनाते हैं तो कई बच्चियां बिल्कुल मजबूत हो जाती हैं। बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना है, हम अकेले थे, अकेले ही जाना है। उनको कोई थोड़ा टच करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे यह हमको हाथ क्यों लगाते हैं, इनमें विकारी बांस है। विकारी हमको टच भी ना करे, इस मंजिल पर पहुंचना है। देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ही न रहे, वह कर्मातीत अवस्था अभी बनानी है। अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं, मंजिल है। बाप हमेशा कहते रहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। यह शरीर दुम है जिसमें तुम पाठ बजाते हो। कई कहते हैं
इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की कोई बात ही नहीं। यह तो पढ़ाई है, जैसे और भी पढ़ते हैं, यह भी पढ़ते हैं। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, बड़ी मेहनत है। इसलिए बाप कहते हैं, एक दो को आत्मा ही देखो। सत्योग में भी तुम आत्म अभिमानी रहते हो, वहां तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात नहीं। यहाँ रावण राज्य में सब विकारी है, इसलिए बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं। नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बनने बिगर ऊपर जा न सके, हिसाब किताब चुक तो करना पड़ता है, फिर भी पद कम हो पड़ता है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चे जानते हैं, स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। पहले पहले तो जरूर एक राजा रानी होंगे, फिर डायनेस्टी होगी, प्रजा ढेर बनती है, उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। जिनको पूरा निश्चय नहीं, वह पूरा पढ़ भी न सके, पवित्र बन न सके, आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने, मासी का घर है क्या? मुख्य है ही काम की बात, क्रोध आदि का इतना नहीं। कहां बुद्धि जाती है, तो जरूर बाप को याद नहीं करते हैं। बाप की याद पक्की हो जाएगी तो फिर और कोई की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। बहुत ऊंची मंजिल है, पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं। कहते हैं, यह बात तो कभी कोई ने कही नहीं, कोई शास्त्र में है नहीं, बड़ा मुश्किल समझते हैं। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग का धर्म अलग, उनको तो पुनर्जन्म ले फिर भी सन्यास धर्म में ही जाना है, वही संस्कार ले जाते हैं। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, समझाया जाता है, भल घर में रहो, उन्हों को भी समझाओ। अब है संगम युग, पवित्र बनने भी कर सत्युग में देवता बन नहीं सकेंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो वह प्रजा बनती जाती है, प्रजा तो ढेर होती है ना। सत्युग में वजीर भी नहीं होते, क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं, वजीर आदि चाहिए अज्ञानियों को। इस समय देखो, एक दो को मारते कैसे हैं, दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है। अभी तुम समझते हो, हम यह पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? वह दुख से मरते हैं, तुमको सुख से बाप की याद में जाना है। जितना मुझ बाप को याद करेंगे तो और सब भूल जाएंगे, कोई भी याद नहीं रहेगा। परंतु यह अवस्था तब हो जब पक्का निश्चय हो, निश्चय नहीं तो याद भी ठहर नहीं सकती। नाम मात्र सिर्फ कहते हैं, निश्चय ही नहीं तो याद काहे को करेंगे। सबको एक जैसा निश्चय तो नहीं है ना, माया निश्चय से हटा देती है, जैसे के वैसे बन जाते हैं। पहले पहले तो निश्चय चाहिए बाप में, संशय रहेगा क्या कि यह बाप नहीं है? बेहद का बाप ही ज्ञान देते हैं। यह तो कहता है, मैं सृष्टि के रचयिता व रचना को नहीं जानता था, मेरे को कोई तो सुनाएगा। मैंने 12 गुरु किए, उन सबको छोड़ना पड़ा, गुरु ने तो ज्ञान दिया नहीं, सतगुरु ने अचानक आकर प्रवेश किया, समझा पता नहीं क्या होना है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया, अर्जुन की बात है नहीं, यह तो रथ है ना, यह भी पहले गीता पढ़ता था। बाप ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया कि यह तो बाप ही ज्ञान देने वाला है, तो उस गीता को छोड़ दिया। बाप है ज्ञान का सागर, हमको तो वही बताएगा ना। गीता है माई बाप, वह बाप ही है जिसको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, वह रचना रचते एडप्ट करते हैं ना। यह ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है, बाप कहते हैं इनकी भी जवान प्रस्थ अवस्था होती है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। कुमारियां तो है ही पवित्र, उनके लिए तो सहज है, शादी के बाद कितने संबंध बढ़ जाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, परंतु
आधा कल्प दे अभिमानी रहे हैं। बाप आकर अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनाते हैं तो मुश्किल भासता है। पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं, आठ रत्न निकलते हैं। अपने से पूछो, हमारी लाइन क्लियर है? एक बाप के सिवाय और कुछ याद तो नहीं आता है? यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। आत्मविमानी बनने में बहुत मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्माभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी भी विकार की बांस न रहे, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। दूसरी पॉइंट, बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं। ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी। ध्यान रहे, माया निश्चय से जरा भी हिला न दे। वरदान, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। विस्तार है, पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो, बोल भी अयथार्थ न हो, संबंध संपर्क में भी फर्क न हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो। मनसा वाचा कर्मणा किसी से भी पवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। स्लोगन, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो। वाहरे मैं तो मन और तन से नेचुरल खुशी के डांस करते रहेंगे। ओम शांति।